हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम यहाँ आए हुए शॉपिंग के लिए साइमा मॉल, और आगे दिखाते हैं। इसके ऊपर बड़ा मज़ा आता है। अब हम शॉप पे जा रहे हैं, ऊपर जाके देखते हैं क्या महंगाई का यहाँ पे आलम चल रहा है और क्या प्राइस चल रहे हैं सूट्स वगैरह के। चले देखते हैं। और ये हमारी मंजिल पे हम पहुँच गए। कहाँ है शॉप? कपड़े तो दिल चाहता है सारे ही ले लो, सभी अच्छे लग रहे होते हैं। चलो शॉप पे चल के देखते हैं। तो भाई ये है शॉप, आप लोग को भी आना हो तो ये शॉप नंबर F51 है साइमा मॉल में। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस हैं और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। तो ये मम्मा देख रही हैं ड्रेसेस, ये इनकी कलेक्शन है। ये शॉपिंग कर ली है हमने। ये देखो भाई, अभी हमारी शॉपिंग हो गई है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है। और अभी मम्मा और महंगाई आसमान में पहुँच चुकी है। ये देखो ना, मैं कैमरा पकड़ना भूल गई। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कैमरा कैसे पकड़ना। हाँ जी, ये कलर जी, ये ब्राउन कलर अच्छा है। ये कलर ग्रे वो सही है, ग्रे अच्छा है। हाँ हाँ अच्छा है। इनकी शॉप पे भी अच्छी है, कलेक्शन तो अच्छी है, बस रेट्स जो है ना आसमान पे पहुँचे हुए। खर्चा करा दिया हमने, ये मजा आया। अभी तो और बाकी है, हम रुको ज़रा अभी तो। और शॉप पे मुझे कुछ आज समझ ही नहीं आ रहा, मैं इतना कंफ्यूज हुई हूँ कि मैं क्या लूँ क्या लूँ। ड्रेसेस एक तो भाई रमज़ान से पहले शॉपिंग कर लेता बंदा वो सही रहता है, क्योंकि रमज़ान के बीच में आओ तो फिर भी रश हो ही रहा होता है। और फिर ईद के बाद हमारा एक स्पेशल इवेंट है, किसी की शादी है, वो सरप्राइज है। हाँ बताएंगे आपको, घर की ही शादी है, चलो ये बता दो किसकी है, वो तो नहीं बताऊंगा यार। के रहे हम लोग, मेरा बहुत गंदा हो रहा है यार। मैं जो है ना, एक तो घर से निकलने से पहले समझ में नहीं आता है कि क्या पहना जाए, कपड़े वपड़े पहने का, अबाया पहनो और बस चलो जाओ। कैमरा गंदा, वो कैमरा नहीं सॉरी मिरर गंदा हो रहा है। चलो चलो चलो, उनसे डिसाइड ही नहीं हो पा रहे हैं लेकिन, जबकि बोल रही हूँ ये अच्छा लग रहा है। हम सबसे महंगी, मतलब पूरी महंगी जगह खड़े हुए, बहुत महंगी महंगी जगह पता है कौन सी है? ये देखें, सबसे ज्यादा महंगी जगह है ये। तो भाई ये जो सबसे ज्यादा महंगी जगह आपको कहीं नहीं मिलेगी। क्यों है तो इंग्लिश में क्या बोलना था? सो एक्सपेंसिव। बस बस आराम से बैठो। अब हम जा कहाँ रहे हैं बताओ? हम जा रहे हैं बंस रोड, जा रहे हैं हम पेट पूजा करने जा रहे हैं। नहीं बोलो, रोटी रोटी खा रहे, रोटी रोटी खाएंगे डकी भाई की तरह। फाइनली हम लोग बंस रोड, शान ही अलग है यहाँ की, तो मतलब रौनक ही अलग होती है बंस रोड की, एक से एक जगह है। आ गए बंस रोड के सबसे ज्यादा मशहूर मीठे दही बड़े। अब हम देखते हैं, हम बैठेंगे वहाँ। ये तो बड़े जबरदस्त लाइफ मटका बिरयानी भी है। ओहो सारी आवाम ऐसा लग रहा है कराची की आज यहीं आई हुई है, क्योंकि एक तो सैटरडे भी है। तो भाई यहाँ दिल्ली कबाब हाउस, हमारे बाबा को बड़ा पसंद है यहाँ के कबाब, फैमिली हॉल उधर। ये तो बाबा के दोस्त निकले, लग रहा है आज फिर में दावत वावत हो जाएगी लग रहा है। चलो भैया बंदर जा रहे हैं हम। ओके दावत यहाँ पे पहुँच गए,
मेन्यू में ये जो फ्राई है ना ये मंगवाते हैं दो एनवायरमेंट अच्छा है वहाँ जैसा लग रहा है शॉपिंग करके आ जाते बहुत टाइम अच्छी भी लगा दी है ना आप अगले बार से खर्च करा बड़ा मज़ा आया दिल लवेशी दी हो रहा है गार्डन गार्डन हो रहा है अब लग रही है भूख बहुत भी आई भी आ जाओ तुम भी आ जाओ घुसो घुसो खाना देखा रही घुसता वाली खोली आई बड़ी ओवर ये है बुरी लग रही तबीयत ज़्यादा सही हो गई ना अल्हम्दुलिल्लाह अब आप लोग को एनर्जी नज़र आएगी हमारे ब्लॉग मुँह तेरा ही हो रहा है हाँ राशिद भाई ये साफ करो ये गरीब इसका भी कोई ये दिन राशिद भाई नहीं सारे जो ऑपरेटर्स होते हैं ना ये हमारे राशिद भाई है हम सबको राशिद भाई बोलते हैं एक तो हमारे कजन भी हैं वो भी राशिद है वो भी बेचारे वो बेचारे भी वीडियो भी बेचती हो गई बेटा ज़्यादा भूख लग रही है बेटा भूख लग रही है ज़्यादा क्या दिल कर जब इनको भूख लगती है ना खा रहे ना मैं सबकी टेबल पे खा लूं जब इनको ज़्यादा भूख लगती है ना तो ये तो इनके बाल बेचारी हमारी बैटरी बहुत चार्ज तो वहाँ जाके बैठ जाओगी तो छुट जाओगी क्या तुम मुँह ऐसे बना रही बेचारी को बहुत भूख लग रही है ज़्यादा मनाहिल मना टेढ़ी टेढ़ी नज़रों से देख रही है खाना खा जाए फिर हम मिलते हैं आपको खाने पर क्या बात है माशाल्लाह ये पूरियों के साथ ये कबाब का सालन कुछ ये देखो इस तरह से ये लोग कबाब का सालन बना के वो करते हैं सर्व के बाद मिलते हैं घर जाते अब हम आए हैं गरम गरम गुलाब जामुन खाने और बहुत ही मज़ेदार ये है ये सादे वाले सही है ना ये इलायची वाले हैं इलायची पाउडर होता है ये का दीजिएगा चार ये डाल लेता हूँ अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम कितने की एक प्लेट है आपकी 120 रुपए के 8 हैं छोटे वाले मेरे और बड़े वाले 4 हैं अच्छा अच्छा तो इसमें क्या डिफरेंस है ये जो है छोटे वाले इलायची वाले हैं बड़े वाले सादे होते हैं अच्छा। और ये काले वाले जो है ये भी इसका टेस्ट अलग होता है अच्छा जी चले हम अभी खा के आपको रिव्यूज देते हैं ओ भाई मुझे स्पून तो दो यार ये टूट ही नहीं रहे छोटा है कल कल और नौ मजे में दिखता है क्या कहिए बहुत मजे के और ये वो दो रुपए वाले नहीं है ये मजे के बेटा खाओ खाओ मैंने नो डाउट बहुत मज़ेदार टेस्ट था मज़ा आ गया खा के गरम गरम और बहुत अच्छे टेस्ट वाले थे आप लोग भी आए तो यहाँ पे ये बंस रोड और ये इनका है स्टॉल तो आप लोग भी ज़रूर टेस्ट करें यहाँ पे आके इनके गुलाब जामुन और रीजनेबल प्राइस अच्छे से मज़े थे अल्हम्दुलिल्लाह खाना भी खा लिया सब हो गया शॉपिंग वॉपिंग ऑल डन अब इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं आज का व्लॉग बस यही था और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक माय व्लॉग्स और बस लाइक करें सब्सक्राइब करें आगे से आगे शेयर करें बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मटका कुल्फी भी आ गई जाते जाते अच्छी है अभी मज़े की है